जहाँ तक मोतिहारी में उन्होंने जो बात कही तो उस चीज़ को तो मैं ऐसा कहता हूँ कि नीतीश कुमार इसमें तो बहुत माहिर रहे हैं, जिसके चलते लालू जी पलटू राम का संज्ञा उनको दिए हुए हैं। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात जहाँ तक है 23 में बनाना चाहते थे या बनाने की बाधा थी, अब 23 में आज हम लोग आज 10वां महीना में आ गए हैं। तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाने के चलते वो कोई भी कवायद कर सकते हैं। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं महागठबंधन से हटेंगे, अब कहाँ जाएंगे इसके बारे में तो स्पष्ट उन्होंने बता दिया कि भाई भाजपा के लोग मेरे दोस्त हैं, मरते दम तक उनसे दोस्ती नहीं टूटेगी। देखिए, इधर कुछ दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार का बयानात कुछ ऐसे आ रहे हैं जो समझ में नहीं आता है कि वो क्या चाहते हैं, क्या करेंगे। इसी के चलते कुछ लोगों कह रहे हैं कि कहीं कहीं लगता है कि याददाश्त उनका ख़त्म हो रहा है या याददाश्त ख़त्म होने के कारण ही कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बोल देते हैं। जहाँ तक मोतिहारी में उन्होंने जो बात कही तो उस चीज़ को तो मैं ऐसा कहता हूँ कि नीतीश कुमार इसमें तो बहुत माहिर रहे हैं, जिसके चलते लालू जी पलटू राम का संज्ञा उनको दिए हुए हैं। तो अभी की जो वर्तमान परिस्थिति है तो मेरे समझ से तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात जहाँ तक है 23 में बनाना चाहते थे या बनाने की बाधा थी, अब 23 में आज हम लोग आज 10वां महीना में आ गए हैं। तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाने के चलते वो कोई भी कवायद कर सकते हैं, ऐसा हमको पहले भी भास थी और आप लोगों से हमने बात भी किया था। तो अब जब परिस्थितियाँ कुछ ऐसी आई है तो मेरे समझ में लगता है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं महागठबंधन से हटेंगे, अब कहाँ जाएंगे इसके बारे में तो स्पष्ट उन्होंने बता दिया कि भाई भाजपा के लोग मेरे दोस्त हैं, मरते दम तक उनसे दोस्ती नहीं टूटेगी। तो इसका अर्थ यही होता है कि निश्चित है कि एनडीए में अगर स्वीकार करेंगे लोग एनडीए के तो एनडीए में आ सकते हैं वो। तो यही अभी तो वर्तमान परिस्थिति है, और एनडीए में आवेंगे नहीं आवेंगे, लेंगे एनडीए वाले की लोग नहीं, ये सारी बातें अब डिपेंड करेगी कुछ समय आने के बाद। लेकिन स्थिति अभी यही है कि महागठबंधन में अब वो न रहेंगे, और जहाँ तक घमंडिया जो गठबंधन है उसमें दरार पड़ गई है। इधर अखिलेश जी ने कुछ कहा है कांग्रेस के प्रति, यहाँ ममता जी कुछ पहले ही से बोलते रही हैं। तो इस तरह से अब स्पष्ट है कि ये घमंडिया जो गठबंधन है ख़त्म हो गया, और नीतीश कुमार अपना रास्ता खोज रहे हैं, और उसी रास्ता खोजने के क्रम में भाजपा के प्रति उन्होंने सॉफ्टनेस शो किया है, और इसे ऐसा लगता है कि वो एनडीए के पार्ट बनना चाहते हैं। आप वेलकम करेंगे नीतीश कुमार को? हम तो बहुत पहले कहें कि भाई एनडीए का एक छोटा पार्टनर हम हैं, और एनडीए का नेतृत्व अगर उनको स्वीकार करेगा तो निश्चित है कि हमें भी स्वीकार करना पड़ेगा।